गाजियाबाद में दिल्ली की एक महिला का अपहरण कर कई लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। मामले में अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार दिल्ली की रहने वाली महिला अपने भाई से मिलकर वापस लौट रही थी, उसी समय उसका अपहरण हो गया। सभी 5 आरोपी कथित तौर पर महिला को जानते हैं और वारदात के पीछे एक संपत्ति विवाद को कारण बताया जा रहा है। दिल्ली महिला आयोग ने अपराध का संज्ञान लेते हुए मामले में जानकारी मांगी है। 18 तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को UP 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पड़ी हुई है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहाँ से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। और हमारे सहयोगी मोहित ओम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, हालांकि पुलिस की अगर बात की जाए तो संपत्ति विवाद का एक मामला यहां पर सामने आ रहा है कि वो इसकी भी जांच करिए, क्या है पूरी डिटेल कहानी इसकी? देखिए, मामला ये 16 तारीख को शुरू होता है। 16 तारीख को ये महिला दिल्ली की नंदनगरी की रहने वाली है जो गाजियाबाद के नंदाग्राम थाना क्षेत्र में अपने भाई के घर गई थी जहाँ पे उसका जन्मदिन था। उसके बाद उसके भाई ने उसको एक सड़क किनारे छोड़ा था ऑटो पकड़ने के लिए, लेकिन वहां से महिला गायब हो गई थी। उसके बाद उसके भाई ने शिकायत पत्र भी नंदाग्राम थाने में दिया था कि उसकी बहन मिसिंग है। दिल्ली गाजियाबाद पुलिस को 18 तारीख की सुबह 3 बजे कॉल मिली है कि आश्रम रोड पे एक महिला की बोरे के अंदर महिला पड़ी हुई है, जिसके बाद महिला को लाया गया, अस्पताल ले जाया गया जहाँ पे महिला ने मेडिकल जांच के लिए मना किया और महिला ने कहा कि वो अपने संबंधित जो परिचित अस्पताल है वहां पे मेडिकल जांच कराएगी, जिसके बाद महिला को गुरु तेग बहादुर अस्पताल जो दिल्ली का है यहां पे रेफर किया गया। यहां पे महिला का ट्रीटमेंट चल रहा है, यहां पे गैंगरेप की पुष्टि की गई है। अगर बात करें पुलिस की तो पुलिस ने महिला के बयानों पे और मेडिकल जांच की पुष्टि के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने भी हिरासत में लिया है। सबसे पूछताछ की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पूरा विवाद क्या है, लेकिन इस जांच के दौरान महिला पुलिस को पता लगा है कि महिला और आरोपियों के बीच में एक प्रॉपर्टी विवाद भी चल रहा है, जिस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। ये प्रॉपर्टी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के अंतर्गत आती है, तो वहां पर भी अब पुलिस उस एंगल से जांच कर रही है क्या इस मामले में और क्या सच्चाई है। फिलहाल 5 आरोपी हिरासत में है और महिला की गैंगरेप की पुष्टि हुई है, जिसका इलाज इस वक्त GTB अस्पताल में चल रहा है। जी मोहित, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और एक और